ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। मैं हूँ महाकाल। जी हाँ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर जगह भगवान भोलेनाथ के रंग में रंग चुका है। ऐसे में चाहते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप में भी भोलेनाथ के व्हाट्सएप स्टिकर ऐड कर सकें और अपने दोस्तों को भेज सकें, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक खबर पर। टेक खबर एक टेक्निकल चैनल है, यहाँ पे हर तरह की टेक्निकल वीडियोस अपनी भाषा हिंदी में पोस्ट होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का दबा लें, इससे आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप पर भोलेनाथ के स्टिकर्स को कैसे ऐड कर सकते हो और इस सावन को कुछ ज़्यादा स्पेशल बना सकते हो। अपने व्हाट्सएप के दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भोलेनाथ के तरह तरह के व्हाट्सएप स्टिकर भेज सकते हो। तो उसके लिए बस एक छोटा सा काम करने का पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको आप लाइक कर दीजिए। इसके बाद आप वीडियो के नीचे में जाएंगे और कमेंट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है शिव स्टिकर। देखिए इस प्रकार से लिखना है कुछ, और यहाँ पर आपको एक ऐप आएगा सबसे ऊपर में देख रहे होंगे, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के स्टिकर्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है और ऐड में क्लिक कर देना है। इससे ये सारे स्टिकर आपके व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएंगे। चलिए ऐड कर लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा व्हाट्सएप में जाकर कि कैसे यूज करते हैं इनको। अभी हमारा स्टिकर ऐड हो चुका है। अब हम जाएंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर स्टिकर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो देख रहे होंगे कि ये सारे स्टिकर हैं वो हमारे मोबाइल पर आ चुके हैं। इसके बाद आप चाहे तो भेज सकते हैं आसानी से इन सारे स्टिकरों को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भेज सकते हैं और इस सावन को कुछ और ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलो अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।